Hi guys, I am Shrimati Pushpalata Chaudhary and in front of you, and today we will discuss about future perfect continuous tense. Okay, so let's start. But before this, I want to say, जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं, when we say like about this, उस टाइम तक मैं वहाँ कर चुकी होंगी, कर रही होंगी, मम्मी आने तक मैं ये काम कर रही होंगी, 4 बजे से ये काम कर रही होंगी, है ना, मैं 2 साल से पढ़ रही होंगी, है ना। although it has little change, सब जो अगर आप might have been का यूज़ करते हैं, must have been का यूज़ करते, तब भी गागेगी आता है, इस प्रकार का सेंस निकलता है। बट एक सर्टेन टाइम होता है फ्यूचर में, हम यहाँ पे खड़े हैं और इसके फ्यूचर में यदि आपके पास टाइम होता है, तब आप हम कह सकते हैं इसमें कि उस टाइम तक तो मैं ये काम कर चुकी होंगी, कर रही होंगी, 4 साल कंप्लीट कर लिए होंगे, कर रही होंगी ना, उस समय हम इस प्रकार की बातें कर रहेंगे, रहा होगा, रही होंगी, मतलब उस सर्टेन टाइम के लिए फ्यूचर में बात करेंगे, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। बस एक छोटा सा चेंज है, वैसे तो सिंस फॉर बहुत लोग यूज़ करते हैं, एक छोटा सा चेंज है कि सिंस और फॉर लेते थे तो फॉर तो एज इट इज रखेंगे और फ्रॉम को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, है ना, तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। सिंस भी रहते हैं कुछ लोग, बट हम यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे से के लिए, ठीक है ना। जो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम का टाइम यूज करेंगे, और जो ड्यूरिंग वाला टाइम है उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे वही पहचान बता दी है मैंने, तो उसका फॉर्मूला देख लेंगे एक बार। सब्जेक्ट, विल और शैल, वही आई के साथ और विल और शैल, तो अभी तो हम पूरे के साथ विल लगा लेंगे क्योंकि अभी सबके साथ में विल लगा सकते हैं। फिर विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी जोड़ना है, फिर फ्रॉम और फॉर लगा के टाइम लगा देना। एक चीज और याद रख लेना है कि भाई हम उस बोलते ना, उस टाइम तक तो मैं ये कर रही होंगी, तुम मेरे घर आओगी तब तो भी आप इस चक्कर का चीजें को यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है, उस समय तो शायद मैं ये कर रही होंगी बोलते हैं अपन, तो उस प्रकार की जब बातें आएंगी तब हम इसका यूज करेंगे, है ना। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे समझ में आएंगे, थोड़ा सा पे अटेंशन हियर। ओके, आई विल हैव बीन वॉचिंग मूवी, है ना, मैं मूवी देख रही होंगी फ्रॉम 4 o'clock, 4 बजे से टीवी देख रही होंगी। जय भाई, मान लो सपोज वो 8 बजे तक आने वाला होगा, ओके ठीक है, मैं उस समय 4 बजे से टीवी देख रही होंगी, व्हेन यू कम, जब तुम आओगे तब मैं क्या कर रही होंगी, 4 बजे से टीवी देख रही होंगी, ठीक है ना। चलिए, यू विल हैव, इसमें मैंने ऐसा किया है गाइस कि डिफरेंट टाइप के मैंने चेंज कर करके थोड़ा सा वर्ब लाया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में क्या करती हूँ, सेम वर्ब लाती हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाती है, तो ठीक है इसमें भी बन जाएगी, देखेंगे कैसे। यू विल हैव बीन रनिंग फॉर मेनी डेज, कई बच्चे बड़ी प्रैक्टिस करते हैं ना कि दौड़ना है, किसी जॉब में जाना है, तो वहाँ के लिए बोलते हैं यू विल हैव बीन रनिंग, तुम दौड़ रहे होंगे फॉर मेनी डेज से, कई दिनों, सही सालों से दौड़ रहे होंगे, है ना, कई, अभी जब आप तो अभी तो दौड़ ही रहे हो, तो फिर आप कई सालों तक, तब तक तो आप दौड़ चुके होंगे, सपोज आपका 2-3 महीने बाद एग्जाम है और जो प्रैक्टिस है आपकी, तो बोल सकते हो, है ना, ठीक है। ही विल हैव बीन स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा फॉर मेनी मंथ से, है ना। कई बार होता है कि हम बोल रहे हैं कि अरे वो उसका जब जॉब सिलेक्शन हो गया तो वो तो कई सालों से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे वो सेंस नहीं आएगा, नहीं यार वो तो पढ़ाई कर रहा होगा कई सालों से, क्योंकि वो उसको तो किसी चीज की तैयारी करनी है ना, तो कई सालों को याद से नहीं पढ़ रहा, वो कई सालों से पढ़ रहा होगा, और तभी भी शुरुआत भी और अभी आगे फ्यूचर में भी कर रहा होगा वो तैयारी, ठीक है। चलिए, शी विल हैव बीन टीचिंग, वह पढ़ा रही होगी फॉर ईयर्स, सालों से वो पढ़ा रही होगी, बाय नेक्स्ट मंथ तक तो उसका कई साल हो चुके होंगे, वो कई सालों तक पढ़ा रही होगी बाय नेक्स्ट मार्च, अगली मार्च तक, नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मार्च वी विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, हम ये काम कर रहे होंगे फॉर 10 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स,
मैंने अगले मार्च तक के हमको कितने महीने हो जाएंगे, 10 महीने हो जाएंगे, we will have been doing this work, इस काम को करते 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 क्या कितने दिन हो जाएंगे, 10 महीने हो चुके होंगे। रिया विल हैव बीन लिविंग देयर, रिया वहाँ रह रही होगी फॉर मंथ्स, कई महीनों से रह रही होगी। बाय दैट टाइम, उस टाइम तक जब हम बात करेंगे ना, जब उस समय मिलेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा उस समय, उस समय तक तो वो 10 मंथ अपने कंप्लीट कर चुकी होगी। मतलब वो अभी भी वहीं रह रही है और फ्यूचर में भी वहीं रह रही है, लेकिन उसको इतना टाइम हो चुका होगा। ठीक है ना गाइस, तो ये केवल आपके लिए अफर्मेटिव था। अपन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी अफर्मेटिव है, और जब हम अपने स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो विल हैव बीन भी कर सकते हैं अपन सीधे। ठीक है ना, वी हैव बीन बोलते ना, विल हैव बीन तो बहुत स्पीड में लेके आते हैं, वॉन्ट हैव बीन। तो इस प्रकार से अभी हम स्पोकन इंग्लिश का इसके बाद वाले वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, और पक्का मुझे गाइस लगता है कि आपको जल्दी समझ में आता है। नाउ टॉक अबाउट निगेटिव, तो निगेटिव में क्या करते हैं हम, विल नॉट हैव बीन वॉचिंग, विल के बाद में विल और हैव के बीच में बिटवीन विल एंड हैव, और अपने को क्या करना है, नॉट को पुट अप करना है। विल नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी, आई विल नॉट हैव बीन रनिंग, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग, बाय द टाइम बाय द नेक्स्ट मंथ दे विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मंथ्स, by next March we will not have been learn doing this work for the month. Riya will not have been living there for months by that time. उस time तक वो कई साल नहीं हो चुके होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से करेंगे। इसमें भी हम interrogative की जब बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, will को आगे will I have been watching movie, क्या मैं मूवी देख रही होंगी, तब फॉर मंथ, कई मंथ से देख रही होगी, फ्रॉम 4 o'clock से देख रही होंगी। ठीक है, विल यू हैव बीन रनिंग फॉर मेनी डेज, तुम कई दिनों से दौड़ रहे होंगे। विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी मंथ्स, वो तुम क्या तुम बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, मेनी मंथ से पढ़ रहे होंगे, जब हम तुम्हें देखें है ना तो पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, विल शी हैव बीन टीचिंग फॉर इयर्स, क्या वो बहुत सालों से पढ़ा रही होगी, बाय नेक्स्ट मार्च, अगले मार्च तक के तो वो बहुत सालों से पढ़ा रही होगी क्या, बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months, फॉर 4 months कई कई मंथ से या 4 years से क्या वो इंग्लिश सीख रहे होंगे, 4 मंथ है, 4 मार्च हो जाएंगे, 4 मार्च हो जाएंगे, तब तक के लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो इतने सालों से पढ़ रहे होंगे। रिया विल हैव बीन लिविंग देयर, रिया जो है वो वहां पर रह रही होगी फॉर मंथ्स, महीनों से रह रही होगी, बाय दैट टाइम, उस टाइम तक जब हम वहाँ पे पहुंचे, जब तक कि वो क्या कर रही होगी, रह रही होगी। तो इस प्रकार से आपको गाइस ये सेंटेंस वैसे बहुत कम यूज होता है, बट सर्टेनिटी की बात आएगी तब इसको यूज करना। वैसे ज्यादातर हम माइट हैव बीन, वुड हैव बीन का यूज करते हैं, क्योंकि सर्टेनिटी की बात आती है तो जब हम स्पेशली ले लेते हैं कि हाँ उस समय तक तो ये कर चुकी होगी, तो वो परफेक्ट टेंस के यूज में उसका काम खत्म हो जाता है। बट इसके साथ साथ हम माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन, वुड हैव बीन पे भी जरूर काम करेंगे, क्योंकि लगभग सेंस इसी का आता है। बट गाइस थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन है कि याद रखना, ये जो हम विल करते हैं वो फ्यूचर में सर्टेनिटी की बात करता है, लेकिन जब हम माइट हैव बीन में हैव बीन की बात करते हैं तो वो लास्ट पास्ट की बात करता है कि वो ऐसा कर रहा होगा। तब वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं आना है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे भी गागे की आ रहा है तो ये पक्का फ्यूचर का होगा, ये फ्यूचर का नहीं होता है। ये एक प्रकार का एक थॉट होता है कि वो ऐसा कर रही होगा, है ना, एक है हाइपोथेटिकल रहती है ना कंडीशन की, हाँ यार वो तो वहाँ पे इतना कर रहा होगा, इतने सालों से वो पढ़ रहा होगा, ही मस्ट हैव बीन स्टेइंग वहाँ पर, वहाँ रह रही होगी उस समय तक, लिविंग देयर, वहाँ रह रही होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कंफ्यूज मत होना, जब फ्यूचर की बात आएगी तो विल हैव बीन का ही यूज करना है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से गाइस,
इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज प्लीज शेयर, बट इफ यू वॉन्ट टू टीच अबाउट अदर पर्सन और इनको और लोगों को मिलना चाहिए तो यू शुड शेयर. ओके, यू शुड शेयर बिकॉज वेन एवर वॉट एवर यू हैव प्लीज गिव अदर्स. ओके, लेट देम. ओके, उनको दे दो. असली में देने से ये हो जाएगा कि उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा जो वास्तव में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत अंदर के गांव में रहते हैं और बहुत बार सुविधाएं होते हुए भी बहुत सारा हेजिटेशन रहता है, वो रिमूव नहीं कर पाते हैं और वो उसका उपयोग करके वो आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि जब कोई देखते हैं कि बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ा करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो फिर उन लोगों के लिए बहुत डर सा हो जाता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग. तो ऐसी कंडीशन में वो लोग बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बना करके आगे बढ़ते हैं जाएं. और मैं चाहती हूँ गाइस दैट्स हाउ एवरी वन लर्न, और हर व्यक्ति ने ऐसे ही सीखा है. तो गाइस आप भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे जब तक कि आप, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस करते हो तब तक ये बिल्कुल कंटिन्यूटी में बनी रहे. ये नहीं होगी थोड़ा स्टॉप कर दें फिर अपन करेंगे. अगर हम बिगनर्स हैं तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को और उतने हार्ड वर्क भी करना है. जब आपको टाइम मिलता हो वेयर एवर यू आर और वट एवर यू हैव और व्हेन एवर यू गेट टाइम प्लीज प्लीज स्पीक. इफ़ यू आर इन क्लास सो प्लीज थिंक अबाउट इन इंग्लिश. ओके, आई एम इन हेयर माई क्लास एंड बिसाइड ऑफ शी, बिसाइड ऑफ हर, बिसाइड ऑफ देम. ओके, एंड इफ यू आर इन किचन, सपोज यू आर अ लेडी, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. I learned such types of, okay, I didn't know that time a single word. I couldn't speak English very fluently and very perfectly that time earlier 2 years ago, but right now I am in front of you. So please guy, if you are a lady, so start from your kitchen, because if you are in kitchen, so say I am doing so and so work, I am pouring, I am stirring, so like this. और छोटे छोटे वाक्य बना करके आप भी इंग्लिश सीख सकती हो और अपने आप को मोटिवेट कर सकती हो. डेफिनेट गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत तेज़ी से इंग्लिश पढ़ना सीख भी जाओगी. क्योंकि मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ कि मैं बिल्कुल भी 2 साल पहले इंग्लिश नहीं बोल पाती थी. इवन मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी इंग्लिश का नहीं था, पर जब मैं कर सकती हूँ, व्हेन आई कैन डू इट, सो व्हाई नॉट यू. सो प्लीज़ गाइज, विश यू हैप्पी हैप्पी फॉर योर नियर फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक. और मुझे उम्मीद है गाइज आप बहुत तेज़ी से कर लोगे. थैंक यू गाइज.